Hey students, welcome back, welcome again. So, भाई लोग, हम लोग का डिस्कशन चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 120 डेज क्रैश में, मतलब उसको खत्म ही करना है 120 दिन में. आज है डे 5. पिछली वीडियो में बात करी थी रेजोनेंस पे और कॉन्जुगेशन पे और एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. वो अगर देखना चाहो तो वो देख लो, फिर इधर आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा. आज हमारा कंप्लीट डिस्कशन है इस फिनॉल के ऊपर एक्चुअली, या मैं कह सकता हूं आज हम मीजोमेरिक को पढ़ेंगे. और पहला सवाल हमारा ये है कि हमारे बोर्ड पे इतना बड़ा फिनॉल कर क्या रहा है, और उसके अलावा ये जो हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस वाला स्पीशीज है, ये इसको हेलो क्यों बोल रहा है. अगर ये इसको हेलो बोल रहा है तो क्या ये फिनॉल इसको अपने पास बुलाएगा, और अगर बुलाएगा तो किन पोजीशंस पे बुलाएगा. जैसे कि ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH लग गया है, तो जो पड़ोस वाली पोजीशंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्थो. उसके बाद हमारे पास सामने वाली पोजीशन होती है पैरा, मतलब इसके जस्ट सामने ये हो गई पैरा, और बची कुची पोजीशंस होती हैं मेटा. तो ये ई प्लस कहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट होगा, क्या ये ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा, इसी इफेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे. इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. उसके अलावा इसका एक और नाम होता है, ये रेजोनेंस जहां पे हो रहा होता है वहीं पर ऑपरेट होता है, तो कुछ राइटर्स ने नाम दे दिया भैया रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक, और रेजोनेंस कहां पे होता है, जहां पे कॉन्जुगेशन होता है. कॉन्जुगेशन वाली वीडियो मैंने आपको जबरदस्त तरीके से बताया था कॉन्जुगेशन के बारे में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अभी अगर आपको नहीं देखनी वाली तो शॉर्टकट में याद कर लो, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट फैशन में हो, डबल सिंगल लोन पेयर अल्टरनेट फैशन में हो, डबल सिंगल प्लस चार्ज, डबल सिंगल माइनस चार्ज, डबल सिंगल फ्री रेडिकल. अगर ये पांच में से कोई एक भी अल्टरनेट मैनर में है तो फिर आप कहोगे वहां पे आपका कॉन्जुगेशन है. तो कुछ राइटर्स, बहुत कम, कुछ इसको कॉन्जुगेट इफेक्ट भी बोलते हैं. तो ओवरऑल हमारे पास तीन बातें हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और कॉन्जुगेट इफेक्ट. हाउएवर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस ऑर्थो पे या तो इस पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है. अब ये कैसे हुआ जरा मैं आपको ये समझाता हूं, और मीजोमेरिक हमारा ऑपरेट कैसे होता है ये भी बताएंगे, और मीजोमेरिक प्लस एम है कि माइनस एम है वो भी बताना है. तो इसको हटाते हैं और आपको समझाते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपको बताया था कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीड है, इससे आपका क्या निकलने वाला है, पूरा का पूरा पेड़ निकलने वाला है. ठीक, अब बात आती है कि ये मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है. अब एक बात तो क्लियर है, जहां पे रेजोनेंस होगा वहीं पर ऑपरेट होगा, उसके अलावा कॉन्जुगेट सिस्टम होगा वहां पर ऑपरेट होगा. इसमें हमारे पास शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सीधी सीधी बात है, जैसे रेजोनेंस में होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब ये इलेक्ट्रॉन्स या तो पाई होंगे या तो फिर ये क्या होंगे, लोन पेयर होंगे. अब ये जो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट है ये कैसे फिनॉल में ऑपरेट हो रहा था वो मैं आपको दिखाता हूं. तो देखिए, फिनॉल की अगर बात करी जाए तो फिनॉल अगर आप देखे होंगे तो ऐसे होता है, बहुत प्यारा सा. ठीक, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, पिछली वीडियो में आपको बेंजीन का करके दिखाया था, अब इसका आज समझाएंगे. यहां पे इसके पास लोन पेयर है. ठीक, तो फिर इसको भी थोड़ा सा तरस आ जाता है रिंग के ऊपर कि रिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां घूम रहे हैं, तो ये कहता है मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो मेरे पास लोन पेयर है, मैं भी इसको जो है रिंग की तरफ भेजे दे रहा हूं, जाओ बेटा तुम भी घूम के आओ. तो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, भेज देगा घूमने. ठीक, वहां यहां से यहां पहुंचेंगे और यहां पूरा वर्ल्ड टूर करके इलेक्ट्रॉन्स फिर वापस आ जाएंगे. तो फिर अब इसको समझते हैं बॉन्डिंग दिखा विखा के, मतलब तो वर्ल्ड टूर की शुरुआत ऐसे होती है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ये डबल. ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जब यहां से ये इधर आ गए इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर कहीं ना कहीं, अब रंग बदलते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा. भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना, तो यहां पे नेगेटिव आ गया. जैसे यहां पे नेगेटिव आएगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वाले, ये कहेंगे यहां कहां चले आ रहे हो, इनमें इनमें रिपल्जन होने लगेगा, तो फिर ये बॉन्ड भी टूट जाएगा इस डायरेक्शन में, सो दैट नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी बरकरार रहे. ठीक, तो यहां पर एक नेगेटिव आ जाएगा. कहानी फिर से सुनिए, OH में से जो लोन पेयर था, एक लोन पेयर, वो रिंग की तरफ इसने उसको डोनेट कर दिया, जाओ ले जाओ घूमो, वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ. यहां पे नेगेटिव आया और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हुए, अपोजिट डायरेक्शन में टूट गए, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाए, थोड़ी दूरी रहे. यहां पर अगर इस डायरेक्शन में तोड़ते भैया तो यहीं पर नेगेटिव आ जाता, तो बड़ा रिपल्जन हो जाता. तो यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया,
ठीक। तो फिर अगला स्ट्रक्चर देखो यार कैसे होगा, ये निगेटिव ऐसे कैसा, बॉन्ड खत्म कर दिया हमने और यहां पर हमारा ओ एच विद अ प्लस, देखो ये माइनस था, यहां पे प्लस आया होगा जब ये टूटा होगा, प्लस माइनस में बॉन्डिंग करा दी, ठीक। उसके अलावा जो बचे कुचे बॉन्ड्स थे हमारे एज इट इज रखे, या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, जब हम लोग को पढ़ाया जाता है तो कहते थे ये बॉन्ड एक तोड़ दो और ऐसे तोड़ो कि लोन पेयर से दूर रखो, लेकिन हम फिर वो बात नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि लोन पेयर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने इसको इधर ब्रेक किया, इसको इधर ब्रेक किया और ये वाला स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया। ऑक्सीजन की तीन बॉन्ड जिनको देख के परेशानी हो रही है, देखिए मैंने प्रॉपर प्लस चार्ज लगाया है, तो प्लस चार्ज अगर आप लगाते हो तो थोड़ा सा एक वैलेंसी को एक्सीड कर सकते हो, ठीक। और ये भी आपको बताया था ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये सब मनगढ़ंत हैं, तो ये ना सोच लीजिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की तीन बॉन्ड है, ये एक मनगढ़ंत स्ट्रक्चर है, मेरे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं इसको तोड़े, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो फिर अगेन इस साइड भी ब्रेक करो सो दैट निगेटिव निगेटिव दूर रहे, रेजोनेंस वाली वीडियो में बताया था। तो यहां पर कुछ निगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस माइनस दोस्ती कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या मिलेगा अगला स्ट्रक्चर भाई साहब, ऐसे ही रहेगा सब कुछ कहानी, ठीक। यहां पर बॉन्ड आया, यहां पर निगेटिव आया, ये बॉन्ड वैसे का वैसा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या करने वाले हैं हम कि इसको हटा रहा हूं एंड में क्लैरिटी के लिए, आपको अभी पता चलेगा कुछ इससे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, ठीक, यहां पे एक आएगा माइनस, यहां पे प्लस, ये प्लस और ये माइनस की दोस्ती करा देंगे, अगला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा भाई साहब, यहां पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये ओ और ये एच एज इट इज, उसके अलावा यहां पर निगेटिव। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जब रेजोनेंस हुआ तो इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक, कुछ देर के लिए आया, इमेजिनरी स्टेट में आया, मगर आया तो। अभी देखो उसको बदलते हैं, इसकी जो फाइनल स्टेट होगी वो ऐसे होगी कि भैया इस बॉन्ड को अब तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में इधर, तो ये वही न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, प्लस माइनस में बॉन्ड बनेगा, तो ओवरऑल आपका रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मैजिक ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, OH के इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस, ठीक। तो लोन पेयर यहां से शिफ्ट होना चालू हुए, पूरी रिंग में नाचे, वर्ल्ड टूर करके वापस आ गए, ठीक। इससे हमें पता क्या चला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव मत सोचिएगा, कंप्लीट सोचोगे तो हो जाओगे कंफ्यूज, ये OH है, ठीक। तो फिर यहां पर एक पार्शियल नेगेटिव आ रहा है। अब अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है यानी ई प्लस वाला है तो ये इतना ज्यादा निगेटिव यहां पे देखेगा रिंग पे, तो फिर क्या होगा, ये तो अंधा हो जाएगा, ये सीधा अटैक कर देगा या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे या तो इस पैरा पोजीशन पे, ठीक। अब अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसके भी हम आपको चार पांच अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस एम या प्लस एम इफेक्ट, ओवरऑल OH का भी हो गया, अभी मैं आपको दूसरे केसेस भी बताऊंगा, तो इसको हटाएंगे और आपको माइनस एम और प्लस एम के बारे में बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, अब बात करते हैं माइनस एम और प्लस एम की, तो कौन सा पहले बताएं, माइनस एम पहले बताएंगे क्योंकि इसके सवाल ज्यादा हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। माइनस एम की बात करी जाए तो फिर इसमें आपके पास एक EWG अटैच होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये अटैच होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। अब सोचो अगर आपके पास ऐसे बेंजीन रिंग है और आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहा है अपनी तरफ, सही बात है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स अगर खींचेगा तो फिर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इनकी रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देगा, तो फिर इनको डीएक्टिवेटर्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डीएक्टिवेटर्स। इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार नीट में इसी नाम से पूछा गया कि इनमें से कौन सा डीएक्टिवेटर है, अभी आपको पूरी सीरीज दिखा रहा हूं मैं। चलिए फिर बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फिर कार्बन डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक, अवे फ्रॉम दी कार्बन चेन है,
अब इसमें कौन कौन से मेम्ब्रार हैं हमारे, कौन कौन से माइनस एम हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी के बहुत सारे सवाल हैं। बेसिसिटी को कंपेयर करना, एसिडिटी को कंपेयर करना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स, तो कौन कौन से हैं। अब जरा नीले वाले से लिखते हैं, पहले इसमें जो टॉपर है हमारा माइनस एम का वो NO2 है, और माइनस आई में भी आपको बताया था ये काफी आगे था, तीसरा या चौथा मेंबर था। उसके बाद हमारे पास आता है CN ग्रुप, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, फिर आता है हमारा कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का याद रखिएगा, उधर भी बताया था कि एल्डिहाइड का ज्यादा कीटोन का कम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनहाइड्राइड, ये बच्चों को थोड़ा हजम नहीं होता है, बहुत सारी कोचिंग के असाइनमेंट से ही मिसिंग है, लेकिन एनहाइड्राइड भी इसी मतलब मेंबर है, इसी माइनस एम का ही मेंबर है। अब इसकी बात अगर करें, इसके बाद हमारे पास आता है ईस्टर COOR, और फिर आता है यार एसिड, फिर आता है अमाइड CONH2 अमाइड, और लास्ट में हमारे पास होता है कार्बोक्सिलेट COO-। तो ये हमारी सीरीज होती है माइनस एम की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीरीज को हम अपने दिमाग में कैसे लेके जाएं, क्योंकि नीट 13 में हमसे इस सीरीज से सवाल पूछ लिया, उन्होंने हमसे पूछा विच वन इज बेस्ट डीएक्टिवेटर। अब आपको ये बताना है कि सबसे बेस्ट डीएक्टिवेटर कौन है, तो आपको कोई ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं, NO2 को देखना है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, उसके अलावा बाकी सबका कम है ना। तो ये तो एक बात हो गई। अब इससे अलग अलग टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो इस सीरीज को हम कैसे याद रखें। तो इस सीरीज को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक देखिए, इसको जरा सा हटाते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है कि एक बच्ची है, उसका नाम क्या है, निटसी। क्या नाम है, निटसी, बड़ा इंग्लिश नाम है। अलोन वेंट, अकेले वो निकल जाती है कहां, अंटार्कटिका। कहां निकल गई, अंटार्कटिका ईस्ट, अंटार्कटिका ईस्ट में वो चली गई है, इन एसी एडेड कार, एसी एडेड कार। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी, ये टेबल कभी नहीं भूलोगे अगर ये याद है। निटसी अलोन वेंट अंटार्कटिका ईस्ट इन एसी एडेड कार, एसी कार में बैठ के वो कहां चली गई है, अंटार्कटिका ईस्ट चली गई है। कैसे क्या निकालना है, देखो निट का मकसद क्या है, नाइट्रो, ठीक। सी वाई का मकसद क्या है, साइनाइड। अलोन में से एल का मकसद क्या है भाई साहब, एल्डिहाइड। और ओन, ओन हम लोग कहां भी यूज करते हैं आईयूपीएसी में, कीटोन के लिए, तो ओन से क्या पता चला, कीटोन। फिर हमारे पास है वेंट, वेंट को छोड़ दो, अंटार्कटिका के एन से आपको आइडिया लग जाएगा किसका, एनहाइड्राइड का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईस्ट, ईस्ट मतलब ये ईस्टर हमारा। फिर हमारे पास है एसी एडेड कार, एसी इनको छोड़ दो, तो एसी से क्या पता चला, एसिड के बारे में, ठीक। एडेड, एडी से क्या पता चला, अमाइड, और कार का मतलब है COO- कार्बोक्सिलेट आयन। तो बड़ा सिंपल है, निटसी अलोन वेंट अंटार्कटिका ईस्ट इन एसी एडेड कार, नाइट्रो CN CHOCO, एनहाइड्राइड ईस्टर, एसिड अमाइड कार्बोक्सिलेट। देखिए सारे के सारे कवर हो गए हैं, नीट वाला सवाल भी बता दिया है, और अगर आगे इससे कोई इस टाइप का कंपैरेटिव क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब अगर बात आती है कि NO2 रिंग पे अटैच है ऐसे, तो NO2 रिंग पे हमारे पास कौन सा चार्ज देने वाला है, प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारा ये अक्वायर करेगा, चाहे तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो। अब एक मसला ये आता है कि अगर आप मान लो आपको कुछ नहीं पता, मतलब एकदम आपको कुछ नहीं पता, एक सेकंड रुकना, इसको हटाते हैं, फिर आपको एक दूसरी जुगाड़ बताते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता है वो इसके सवाल कैसे करेंगे। तो इसको हटाने जा रहे हैं, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लेना। अब आपको एक मैं सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं, इससे अच्छी ट्रिक मुझे किसी किताब में आज तक मिली नहीं है। एक बड़ी पुरानी किताब थी 1980s की, उसमें ये ट्रिक दी गई थी, ठीक। उसमें उन्होंने ये कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें मीजोमेरिक का ए फॉर एप्पल भी नहीं पता है, ठीक, और तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास फिनॉल है या तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन है, अब बताओ कौन सा
प्लस एम कौन सा माइनस एम, या कौन रिंग पे प्लस देगा कौन रिंग पे माइनस देगा। तो ये बात तो क्लियर है कि ऑर्थो और पैरा ही पोजीशन पे चार्ज आने वाला है। कुछ मत करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो भाई, यहां पे एच प्लस होगा और ये ओ माइनस होगा, सही बात। एनओ टू की बात करी जाए तो अगर आप सही से देखोगे एनओ ओ तो फिर एन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने सीखी है कैसे होती है, एफ ओ एन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो फिर वही यहां पे मैंने लगा दी, बाकी सबकी कमी होती है। अब देखो जो चार्ज यहां पे आया है, जिस एटम को आप कंसिडर कर रहे हो वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मैं इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इस पर जो चार्ज आया है वही चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा, इससे अच्छी जुगाड़ तो कहीं मिलेगी नहीं। अब देखो यहां पे प्लस आया है, यानी कि रिंग पर ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज होगा, ये नाइट्रोजन से हमने निकाल लिया। तो अब कोई भी सवाल हो आप ये जरूर जज कर लोगे कि रिंग पे कौन सा चार्ज आने वाला है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एफ ओ एन फोन पता है, ठीक। तो जो चार्ज हमारे एटम पे होगा, जो रिंग से अटैच है, वही चार्ज हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। जिनको कुछ नहीं आता है वो ये ट्रिक लगा ले, मीजोमेरिक का कोई सवाल गलत होने का सवाल ही नहीं बनता है, ठीक। तो ये दो ट्रिक्स आपको बता दी मैंने। अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो है प्लस एम इफेक्ट। कौन सा वाला, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। अब वो डीएक्टिवेटर थे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटर्स। उसके अलावा इनका साथ कौन अटैच होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। और आपसे क्या बताना था, इनकी सीरीज के मेंबर आर कौन कौन है, तो देखिए शुरुआत होती है ओ माइनस से, फिर आता है एनएच टू, मतलब ऑक्सीजन से शुरू हुआ, फिर नाइट्रोजन पे जाता है, फिर ऑक्सीजन पे आता है, फिर उसके बाद आता है एन एच आर, नेक्स्ट हमारे पास होता है एन आर टू। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मिलेगा अगर आप अलग अलग कोचिंग के असाइनमेंट पढ़ रहे हो, लेकिन ये वाला मैंने स्टैंडर्ड निकाला है, मतलब पढ़ पढ़ा के तीन चार जगह से, ठीक। एन आर टू, फिर आता है ओ एच, फिर आता है ओ आर, देन कम्स एन एच सी ओ आर, फिर हमारे पास रहता है एफ सी एल बी आर आई। तो हैलोजन्स हमारे प्लस एम में आने वाले, उधर वाली ट्रिक में आए नहीं तो इधर ही आएंगे ना। हैलोजन्स का जो ये इफेक्ट होता है इसको बड़ा कम माना जाता है, एक तो है ही कम, लीस्ट है, और इतना कम होता है कि बहुत सारे जेई के सवाल आप देखोगे उसमें सिर्फ हैलोजन जब भी रिंग से अटैच होता है तो इंडक्टिव को कंसिडर करते हैं कि जिसका मीजोमेरिक जीरो होता है, ठीक। तो सीरीज में भी काफी पीछे है, कौन सी सीरीज में, प्लस एम में। तो हैलोजन्स के लिए एक नोट दिमाग में बना लीजिएगा, ये 2000 का नोट है कि हैलोजन्स का इंडक्टिव तो कंसिडर किया जाता है, माइनस आई कंसिडर किया जाता है, जो प्लस एम है वो कंसिडर बहुत सारे सवालों में नहीं किया गया है, ठीक। अब बात आती है कि इसको तो यार याद ही कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है, पहले का ओ माइनस है, ये नहीं भी करोगे तो छोड़ दो, नाइट्रोजन के डोनर्स या नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले। एक जो कंपैरेटिव क्वेश्चन है वो OH और OR में पूछा जाता है कि OH का ज्यादा है कि OR का ज्यादा है, OR का मतलब ईथर ग्रुप है, तो फिर OH का ज्यादा होगा, OR का कम होगा। ये रिंग पे कौन सा चार्ज देने वाले हैं भाई साहब, ये रिंग पे देने वाले हैं नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज, इनको क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर्स। अब इसके पांच सवाल मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि चार बताने वाला हूं क्योंकि एक पीछे बता दिया। अब चार सवाल इसमें पूछे गए हमसे, पहला सवाल AIPMT 7 में पूछा, जेई में और मेडिकल में सेम ही क्वेश्चंस हैं, आज मेडिकल वाली किताब से पढ़ा है ना, तो आज मेडिकल के क्वेश्चन बताएंगे। पिछली बार जेई के सारे बता दिए थे तो मेडिकल वाले नाराज हो गए थे कि सारे जेई के बताते हो। तो AIPMT की बात करते हैं, इन्होंने कहा मेरे पास चार कंपाउंड्स हैं, एक है मेरे पास टॉली क्लोरोबेंजीन, एक है मेरे पास चलो रख लेते हैं फिनॉल, एक है मेरे पास बेंजाइल एल्कोहल, और एक और कौन सा हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन NO2। अब आपको ये बताना है कि भाई साहब इन चारों कंपाउंड्स में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला 4 है भाई साहब। आप ये बताइए कि कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल के लिए मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। तो अभी आपको बताया ना कि ये वाले जो है ना OH है, OR है, या हैलोजन वाले भी हैं, ये प्लस M के मेंबर हैं, यानी कि रिंग पे कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो भाई साहब यहाँ नेगेटिव देखो, यहाँ नेगेटिव देखो, यहाँ नेगेटिव देखो। उसके अलावा Cl की बात करी जाए तो अभी बताया कि इनका सबसे कम होता है, तो इनका प्लस M तो भूल जाओ आप, ठीक।
तो इसको तो छोड़ ही दो। NO2 हमारा किसका था? माइनस M का मेंबर था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका भी ना के बराबर होता है, जब रिंग से कार्बन अटैच हो डायरेक्ट तो फिर मीजोमेरिक ना के ही बराबर होगा। हाँ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो बात अलग है, ठीक, लेकिन अगर कार्बन है उससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो फिर इसका मीजोमेरिक ना के बराबर होगा, जरा सा होता है, एकदम जरा सा, ठीक। फिर उसके बाद भैया फिनॉल ही आप देख रहे हो टॉपर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फिनॉल। एक तो ये हमसे पूछा गया, साथ में नहीं पूछा गया है, ये रिसेंट ही है, 2010 में पूछा गया है, और नहीं साथ ही पूछा गया आई थिंक, ठीक, 10 और 11 में एक क्वेश्चन को दो बार उन्होंने पूछा, तो इसको देखो तो दूसरा वाला बताएं, ये हटाएं। अब इन्होंने कहा कि सेम क्वेश्चन है, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है ई प्लस, आप बताइए किससे अच्छे से रिएक्शन करेगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन से कंपाउंड के साथ होगा, मोस्ट रिएक्टिव ई प्लस, चार कंपाउंड्स इन्होंने दिए, इस बार थोड़ा सब्सटीट्यूशन बढ़ा दिया है, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाना है उनको, कुछ नहीं, सी एच थ्री था OH कर दिया, दूसरे वाले में सी एच थ्री भी लगा रहा और ओ सी एच थ्री कर दिया, तीसरे वाले में इन्होंने कहा कि मेरे पास सी एच थ्री है, ऐसे रिंग है, अच्छी रिंग नहीं बनती केमिस्ट्री में, फिर हमसे कहा कि यहाँ पे है यार क्या लगा दें यार, भूल गए, नाइट्रोजन लगा दो टाउ एन एच सी ओ, ये वाला कहाँ गया, सी ओ आर, सी ओ सी एच थ्री कर देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आपके पास रिंग है और सी एच थ्री है और पड़ोस में लगा दो सी एच टू ओ एच, ठीक। अब बताओ किस पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे बढ़िया अटैक करेगा, ज्यादा सोचना समझना नहीं है, चेन में सबसे आगे OH है इधर, ठीक, सी एच थ्री चारों में कॉमन है तो सी एच थ्री को भूल जाओ, हालांकि सी एच थ्री का भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अभी बताएंगे आपको, आगे 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 OH ओ सी एच थ्री एन एस सी ओ सी एच थ्री और सी एच टू ओ एच, तो फिर OH वाला जीत जाएगा। ये आपसे दो बार पूछा गया, ए आई पी एम टी 10 में भी पूछा और 11 में भी इन्होंने पूछा, और जो नीट 13 में पूछा था वो पीछे आपको बता दिया। तो ये आपके तीन चार सवाल हो गए जो मीजोमेरिक और इंडक्टिव की टेबल से सीधे सीधे पूछे गए। जेई में कहीं कहीं पे इन्होंने क्या किया, कहेंगे न्यूक्लियोफाइल से बढ़िया रिएक्शन कौन करेगा, ठीक। तो अगर मीजोमेरिक में या तो प्लस एम की सीरीज अच्छे से याद हो चाहे माइनस एम की याद हो, इसीलिए मैंने आपको माइनस एम के लिए ट्रिक बता दी है, माइनस एम के सवाल आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे मीजोमेरिक इफेक्ट की, एक्टिवेटर्स होते हैं, प्लस एम इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब एक छोटा सा मसला आपको और बता दें तो आप लोग को मैं फुर्सत दे दूं इस आज की वीडियो से, डे 5 से, कल हाइपर कॉन्जुगेशन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक। रेजोनेंस एनर्जी एक टर्म आया है हमारे पास, ज्यादातर कोचिंग के नोट्स में आपको कहीं ना कहीं पे छोटा मोटा दिख जाएगा, अरे यार एनर्जी को इफेक्ट लिख दिया मैंने, रेजोनेंस एनर्जी हमसे पूछा जाता है, भाई साहब ये क्या चीज है, पूछा नहीं जाता वैसे, कहीं पूछा पाछा नहीं गया है, लेकिन अब ये उम्मीद है कि पूछ लिया जाएगा आपकी प्री मेडिकल में सबसे पहले। तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करी जाए तो आपको ये बताया था कि अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, मान लेते हैं फॉर्म वन है, फॉर्म टू है, ये सब इमेजिनरी होती हैं, एटम फिक्स होते हैं, सारे रूल आपको बता चुके हैं, और एक होती है आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म वन और फॉर्म टू का, या जितनी भी हैं उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मान लेते हैं उसमें कोई एक ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये हाईली स्टेबल होता है, और कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। इनके और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा, उस एनर्जी डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक। अब इसके लिए वैल्यूज सबकी निकाली गई हैं, सबकी अलग अलग हैं, जैसे कि हमारा जो बेंजीन है इसकी आपसे पूछ ली जाएगी, इसकी 36 किलो कैलोरी होती है पर मोल, ठीक। अब इसी का बड़ा भाई जो होता है दैट इज नैप्थिलीन, उसकी 61 होती है, 60 to 61, ज्यादातर किताबों में आपको 61 ही दिखेगी, ठीक। तो वो भी आपकी किलो कैलोरी पर मोल में ऐसे आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, मीजोमेरिक के बारे में, कॉन्जुगेट इफेक्ट के बारे में, और आपका रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। कल हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे, डे 6 में कुछ थोड़ा ज्यादा आपको बताएंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के कई सारे सवाल हैं, तो मे भी दो वीडियो लग सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।